नमस्कार दोस्तों सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता है एसटेट का पेपर होने वाला है तो जितने भी अब तक एसटेट के आपके पहले पेपर हो चुके हैं तो उनके मैं सब्जेक्ट वाइज़ क्या है क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ले रहा है और कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2011 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें हम सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन मतलब कि ई करेंगे यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से आपको क्या है क्वेश्चन दे रहा है सबसे पहले उसने दिया प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट हर्ष के शासनकाल के बाद सत्ता के प्रति पर किसका नियंत्रण था तो भाई जो युद्ध हुआ था वह उज्जैन में नियंत्रण था या उज्जैन पर नियंत्रण था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट है धातु का एक मिश्रण जिसमें अन्य तत्व तो है तो आप सभी को पता है जो पारा होता है उसमें अमलगम धातु भी पाया जाता है तो उसमें एक धातु किसके अंतर्गत हो जाएगा पारे के अंतर्गत हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई डी हो जाएगा नेक्स्ट है यदि किसी भी घोल का पी टू है इसका अर्थ क्या है देखिए आप सभी को पता है कि भैया जो जीरो से लेकर सेवन से और सेवन से ले कर फोर्टीन तक जो सेवन होता है ये न्यूट्रल होता है और सेवन किसका पीएच मान होता है आप सभी को पता है पानी का जो पी एच होता हुआ कितना होता है सेवन होता है तो जीरो से लेकर सेवन तक क्या हो जाएगा ये एसिड हो जाएगा और सेवन से लेकर फोर्टीन तक क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा तो भाई इस प्रकार से इसने बोला पी टू तो पी टू क्या हो जाएगा स्ट्रोंग एसिड हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है ये आप सभी को पता है ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना है नेक्स्ट है भारत में सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है असम के अंतर्गत पाया जाता है तो इस क्वेश्चन को भी हम बड़ी आसानी से कर लेंगे फिर उसने बोला एक जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसमें क्या होता है तो आप सभी को पता है कोई भी हमारी या तटस्थ शरीर हुआ उसके अंतर्गत क्या है दोनों चीज़ें होती हैं नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चार्जों की समान मात्रा पाई जाती है तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा भाई सी हो जाएगा तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि जो साइंस की क्वेश्चन है वह भी क्या हल्के हल्के दिए जा रहे हैं फिर है गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को किस रूप में माना गया है या क्या कहा जाता है तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ देखिए देखिए जो भारत भारत के पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है इसको गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है और इस मैदान को ना चार भागों में बांटा गया है अगर सबसे पहले हम बात करें तो गुजरात का तटीय मैदान तो गुजरात का तटीय मैदान इसको हम कच्छ या काठियावाड़ा या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है या बांटा गया है दूसरे नंबर पर आता है कोंकण का तटीय मैदान यह जो मैदान है यह महाराष्ट्र व गोवा का तटीय मैदान भी क्या है कहलाता है थर्ड नंबर पर आता है कन्नड़ का तटीय मैदान कर्नाटक का तटीय मैदान इसे किनारा तटीय मैदान भी क्या है बोला जाता है फिर आता है लास्ट में मालाबार का तटीय मैदान यह है केरल का तटीय मैदान है तो इस प्रकार से इसको चार भागों में बांटा गया और मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी क्या है ये कई बार स्टेट के अंतर्गत पूछा जाता है वैसे तो आप सभी को पता है डी क्या है यह एक नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है पर इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा एक बार थोड़ी डिटेल से बता देता हूं जिसको आपको पता चल जाए देखिए जिन प्रदूषकों को प्रकृति में सरल या फिर हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसको हम क्या है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोला जाता है देखिए जैसे कि किस किस को नहीं तोड़ा जा सकता जैसे कि डी प्लास्टिक प्लोथीन या कीटनाशक या कीटना पारा हो गया शीशा हो गया अर्सैनिक हो गया धातु हो गया जैसे कि एल्यूमिनियम के डिब्बे हो गए सिंथेटिक फाइबर हो गया कांच की वस्तुएं हो गई लोहे के उत्पाद हो गए और चांदी की पन्नी हो गई ये सभी क्या हैं ये सभी गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं और उसने पूछा क्या है डीडीटी बोला है अब आपसे मान लीजिए आपके पेपर में डीडीटी ना देकर प्लास्टिक भी दे सकता है प्लोथीन भी दे सकता है पारा भी दे सकता है अरसायनिक भी दे सकता है या कुछ भी दे सकता है तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे ये नॉन डिग्रेडेबल के अंतर्गत क्या है? आएंगे मतलब क्या जिसको प्रकृति में सरल या हानि रहित पदार्थों के अंतर्गत तोड़ा न जाए वह क्या कहलाएगा वह गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाएगा भाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख हमारा अगला क्वेश्चन आता है फिर लोधी राजवंश की स्थापना किसने की थी तो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस जीवाणु को जल प्रदूषण के एक संकेतक के रूप में माना जाता है हालांकि आप सभी को इसका पता होगा कि जो जल प्रदूषण का एक संकेतक है तो इसमें से कोलीफॉर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पर कोलीफॉर्म के बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ डिटेल से देखिए कोलीफॉर्म के बारे में मैं बता देता हूँ सबसे पहले कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है जो कि पानी के माइक्रो बायोलॉजिकल अध्ययन के लिए सूचक का कार्य करता है या प्रयुक्त किया जाता है जैसे कि कोलीफॉर्म विशिष्ट बैक्टीरिया का एक समूह होता है जो कि मिट्टी हो गया खराब सब्जी हो गया या पशुओं के मल अथवा गंदे सतह में क्या है पाया जाता है कोलीफॉर्म उपचारित सतह जल तथा गहरे भूजल में नहीं पाया जाता कभी भी यह सूचक अव्यय या, या रोगजनकों के साथ भी पाया जा सकता है जो कि रोग उत्पन्न करने का क्या है कारण बन सकता है लेकिन सामान्यतः यह स्वस्थ मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न न ही करता है लेकिन जिन मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है उनको यह क्या है जोखिम में डाल सकता है तो मेरे ख्याल से आप कोलीफॉर्म के बारे में भी जान चुके होंगे तो भाई जो जल इसने पूछा था कौन सा जो जल प्रदूषण के संकेत के रूप में कार्य करता है वह कोलीफॉर्म है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया उसने कि कक्षा आठ के छात्र है एक मिश्रण के घटक को पृथक करने हेतु एक प्रयोग करते हैं प्रक्रिया का चार्ट दिखाया गया है उसको देखकर बताना आपने क्या हो जाएगा देखिए ए तथा तो बी दिखाया गया है तो इस चार्ट में दिखाया गया है मिक्सर मैग्नेट के साथ होकर वॉटर ऐड किया जाता है और फिर फिल्टर के साथ सोल्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है अगर हम पहले ए को देखें तो ए के ऐड करने के बाद हमको आयरन प्राप्त हो रहा है और बी को देखें तो बी को ऐड करने के बाद हमको सेंड प्राप्त हो रही है तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा लोहे की कील तथा रेत प्राप्त हो जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये भाई केमेस्ट्री का क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत क्या है दिया गया है फिर है बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा भाई सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ये भी इजी क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है तो ओडिशा के अंतर्गत है ये भी आप सभी को क्या है पता होगा कुछ बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए जो कि स्टेटिक जीके के अंतर्गत भी बोल सकते हैं स्टेटिक जीके के अंतर्गत पाए जाते हैं तो आप स्टेटिक जीके के अंतर्गत भी देख सकते हैं ये आपका एक मौलिक अधिकार से क्वेश्चन दिया गया जीके से तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों के प्रयोग का एक उदाहरण नहीं है नहीं बताना है भाई देखिए सबसे पहले मौलिक अधिकार में पंजाब में बिहारी श्रमिकों के रोजगार की मांग है ये? ये ठीक बात है ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना ये भी है एक ही पद पर कार्यरत पुरुष तथा महिला द्वारा प्राप्त एक समान वेतन होना चाहिए ये भी है बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का आवंटन ये नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि इसने नहीं वाला ही पूछा है तो अगर हम ऐसे देखें तो एक हमको मौलिक अधिकार जो है ये हल्के हल्के वो भी क्या है रीड करने चाहिए क्या पता अब की बार भी आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चन दे दें नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए सही है देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया का जो बॉन्ड होता है उनको तोड़ना तथा बनाना ही क्या है शामिल होता है तो राइट आंसर देख लेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक बोंडो को तोड़ना तथा बनाना शामिल है तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा भाई फिर है रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर किसके द्वारा बनाई गई है तो भाई ये रिफ्लेक्स एक्शन में ये तीन न्यूरॉन्स होते हैं तो थ्री न्यूरॉन्स होते हैं तो कौन कौन से होते हैं रिसेप्टर होता है मेरुदंड होता है मांसपेशी होती है तो इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा भाई फिर है जर्मनी के एकीकरण के पीछे मास्टर माइंड किसे माना जाता है मैंने फिर बोला स्टेटिक जिक्के से क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बार भी दे सकता है हल्के हल्के स्टेटिक जिक्के क्वेश्चन आपने रीड करने चाहिए बीस मार्क क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या गंतो कौन सा था यहाँ से भी आपको पता चल गया जनगणना से भी एक क्वेश्चन दिया है तीन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा देखिए अगर आप जो पिछले पेपर करते हो ना उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ से या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दे सकता है अब तक कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो उन टॉपिक को तो हमको जरूर रीड करना चाहिए फिर है आपका अगला क्वेश्चन दंतेवाड़ा जो हाल ही में माओवादी हमले के लिए समाचार में आया था काँस स्थित है देखिए ये 2010 की बात है क्योंकि 2011 में पेपर था तो 2010 में ये आया था तो करंट का भी क्वेश्चन दिया तो आप थोड़ी बहुत करंट भी देख सकते हैं हालांकि ये दंतेवाड़ा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है तो ये वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन करंट से भी क्या है उठाया गया नेक्स्ट है खालिस्तान के रूप में निवेश किए जाने पर जनसंख्या मानव पूंजी मन जाती है देखिए जो जनसंख्या मानव पूंजी है इसमें शिक्षा भी होती है प्रशिक्षण भी होती है मेडिकल हेल्थ भी होती है ये सभी उसके अंतर्गत ही आएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई डी हो जाएगा इसका राइट आंसर नेक्स्ट है कभी कभी वेसल के नीचे खाना पकाने के दौरान बाहर की ओर काला हो जाता है ये आप भी हो पता है आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि कुकर नीचे से काला हो काला हो जाता है तो किस कारण हो जाता है तो उसका मतलब क्या है जो फ्यूल है वह है, पूरी तरह से क्या है ब्रन नहीं हो पाता या जल नहीं पाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर है पेनक्रियाज में क्या होता है देखिए पेनक्रियाज जो होता है इसके अंतर्गत दोनों चीज़ें होती हैं कौन कौन सी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती होता है और एक क्या है एक्जुक्राइन होता है मतलब कि अंत श्रावी भी होता है और भाई बाह्य श्रावी भी होता है तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों पेन क्रियाज के अंतर्गत होती है नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो देखिए ये उस समय की बात कर रहा है किस समय जब ये पेपर हुआ था 2010 में उस समय अगर मैं बताना चाहूँ तो कुरेशी थे अगर आपको अब करंट के पूछ लिए जाए कि भारत का ये मुख्य चुनाव आयुक्त अब फिलहाल वर्तमान में कौन है तो आप सभी को पता होना चाहिए सुनील अरोड़ा जी जो हैं वह है वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो अब के बार क्या है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ताजा अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है जबकि जो सेचुरेटेड लवणीय जल होता है उसमें तैरता रहता है इसका कारण क्या है देखिए सबसे पहली बात बताऊँ जो लवणीय होता है उसका गंतव क्या है ज़्यादा होता है उसके अंतर्गत चीज़ें तैरती नहीं है जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊँ मर्त सागर देखिए मर्त सागर जो है वह लवणीय है तो इसका उच्च गंतव होता है और उच्च गंतों के कारण इसमें आप कोई भी चीज़ डालोगे उसमें तैरते रहोगे तो इसी प्रकार से वही चीज है जो लवणीय जल का गंतो है वह उच्चतम होता है इसलिए उसमें चीजें क्या है डूबती नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी कई बार मर्थ सागर के बारे में भी पूछ लेता है तो मर्थ सागर का भी लवणीय उच्च ग्रंथों के कारण उसमें भी चीजें क्या है तैरती रहती हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा भाई नेक्स्ट है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो ये भी आपका केमिस्ट्री से क्या है क्वेश्चन पूछा गया तो दो क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आ चुके हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य था इसने संविधान सभा का सदस्य पूछा है तो आपसे बार फिर पूछ सकता है सुविधान सभा का सदस्य कौन है तो आपको यहाँ से 2011 का पेपर देखने से पता चला तो भाई जैसे कि इसका तो राइट आंसर की बात करें तो सी जो है इसका राइट आंसर है आपका सुविधान सभा का सदस्य है तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये अब की बार मैंने 2011 का उठाया है फिर तेरह का भी करवाया जाएगा दो हज़ार पंद्रह का भी करवाया जाएगा सत्तर जो अठारह उन्नीस में पेपर हुए हैं वो भी करवाए जाएंगे पर यहाँ से आपको आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो सकता है कि पहले ही इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं तो अब की बार क्यों नहीं दे सकता दे सकता है तो आपको ये टॉपिक है जरूर रीड करने चाहिए बाकी ये सीरीज मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा हर जो प्रीवियस ईयर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं तेरह का हुआ है चौदह का हुआ है फिर पंद्रह का हुआ है फिर अठारह का भी और उन्नीस का भी इस तरह के जो भी पेपर हुए हैं उन सभी के मैं आपको करवा दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद